बीसीसीआई अध्यक्ष और पूर्व भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली अब नए अंदाज में नजर आने वाले हैं। जी हां, सौरव गांगुली वापसी इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में होने जा रही है। सौरव गांगुली दिल्ली कैपिटल्स में नई कमान संभालते हुए नजर आएंगे। सौरव गांगुली को दिल्ली की फ्रेंचाइजी ने डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट घोषित किया है। ये ऐलान अब से कुछ देर पहले ही हुआ है, बड़ी ब्रेकिंग थी, सोचा आप लोगों तक खबर पहुंचाना बहुत लाजमी था। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सौरव गांगुली 2022 अक्टूबर तक बीसीसीआई के अध्यक्ष बने थे और क्योंकि उनका पीरियड बीसीसीआई अध्यक्ष के रूप में एक्सटेंशन नहीं हुआ था इसलिए उन्हें वो पद छोड़ना पड़ा था। इससे पहले उन्होंने 3 साल तक ये कमान संभाली थी। इसके अलावा दिल्ली कैपिटल्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर सौरव गांगुली की बात की जाए तो सौरव गांगुली 2019 तक आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के साथ थे। वो पहले मेंटर बनकर थे लेकिन अब हो सकता है ये जो कमान उन्हें मिली है ये थोड़ी बड़ी पदभार उन्हें मिले। मेंटर के साथ साथ वो कोच भी बनाए जा सकते हैं। हालांकि दिल्ली कैपिटल्स की ओर से इस पर अभी कोई विस्तारपूर्वक जानकारी नहीं आई है लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है कि सौरव गांगुली के ऊपर अब जिम्मेदारियां बढ़ सकती है। इस पर आपके क्या राय है क्रिकेट फैन के लिए और खासतौर पर सौरव गांगुली के फैंस के लिए बहुत बड़ी खबर है। आप क्या समझते हैं इस पर कमेंट करके जरूर बताइए।